हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे सोया मंचूरियन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सोया मंचूरियन बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले 2 कप सोयाबीन ले लेंगे। सोयाबीन को मैंने सोक कर लिया था और ये सोक होकर अपने साइज से डबल हो गया है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सारे सोया चंक्स अच्छे से कोट हो गए, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है, अब इसमें मैं अपना सारा सोया चंक्स ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। सारे सोया चंक्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमारे क्रंची सोया चंक्स अब रेडी हैं और सोया मंचूरियन के लिए ग्रेवी रेडी करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए सारे सॉसेस को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे पहले एक बोल में। तो इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून सोया सॉस ले लिया है, 2 टेबल स्पून टमेटो केचप और 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सारे सॉसेज में नमक ऑलरेडी एडेड है। यहाँ पर हमने सॉस रेडी कर लिया है। प्याज और शिमला मिर्च को ऐसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। अदरक लहसुन और एक हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। एक पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन अब पैन में ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन को थोड़ी देर भून लेंगे। अब जो भी वेजिटेबल हमने कट करके रखा है उसे हम पैन में ऐड कर देंगे, थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। सारे सॉस हमने मिक्स करके रखा था वो उसे उसमें ऐड कर देंगे और उसे थोड़ी देर हाई फ्लेम पे चला लेंगे। अब हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग पानी उसमें ऐड कर लें। पानी जब हमारा बॉयल होने लगे तब हम उसमें अपने सोया चंक्स ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मुझे अपने सोया मंचूरियन में ग्रेवी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैंने इसमें बहुत कम पानी ऐड किया था। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर ले और पानी को थोड़ा सा थिक बनाने के लिए उसमें थोड़े से पानी में कॉर्नस्टार्च ऐड कर ले और उसे घोल बनाकर अपने ग्रेवी में ऐड कर दे, उससे आपका ग्रेवी थिक हो जाएगा। अब हमारा मंचूरियन रेडी हो गया है और उसमें ऊपर से बारीक पत्ता गोभी कट करके ऐड कर देंगे और सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी अपने घर में ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।